Hey guys, welcome back to my channel. This is your boy Aman Dancer Dot Real. This is your girl Khushbu Dancer Dot Real. This is your girl Pal Dancer Dot Real 1 2 3. Instagram promotion. So guys, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा. So guys, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं. So आज हम करने वाले हैं MasterChef Challenge. So guys, इस चैलेंज में क्या होगा बताती हूँ मैं. भैया और दीदी को मेरे लिए एक डिश बनानी होगी, वो भी 60 मिनट्स में. ये बहुत कम नहीं है? नहीं, ज्यादा ही है. और उसकी जज हूँ मैं. तो गाइस, ये बायस होगी, ये इसे ही जिताएगी. मुझे पूरा 100% पता है. गाइस, इसने मुझे बोला है मैं फेयर खेलूंगी. हाँ, तू बायस्ड नहीं होगी तो मैं खेलूंगा, वरना नहीं. ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि ये तेरे साथ हो सकती है, क्योंकि तुम दोनों भी तो इतने ही क्लोज हो ना. ऐसा जरूरी थोड़ी पकाओ है ये दोनों. ऐसे बिना बक 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 किए चलिए स्टार्ट करके, क्योंकि हमारा तो चलता ही रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइज, मैंने किचन में प्रवेश कर लिया है, पर मेरे अंदर से एकदम धक 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 वाली फीलिंग आ रही है. वैसे मुझे खाना बनाना आता नहीं है, फिर भी मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है. भगवान के भरोसे सब कुछ है. भगवान मुझे जिता देना. अगर मैं हारा तो मुझे बहुत गंदी पनिशमेंट मिलेगी, मेरा बहुत सारा खर्चा होगा. ओवर एक्टिंग छोड़ते हुए, सो गाइस, मैं बताता हूँ आज मैं क्या बनाने वाला हूँ. सो गाइस, मैं आज बनाने वाला हूँ खुशबू का फेवरेट बर्गर. ऐसा नहीं होता. ऐसा क्या नहीं होता, मैं बनाने वाला तो बनाने वाला, तेरे दिमाग में नहीं आया तो मैं क्या करूँ. सो गाइस, मैं बनाने वाला हूँ बर्गर, और बनाने वाला हूँ कौन चाट, मकई का चाट. ऐसे बोलते ना, मकई का चाट. सो गाइस, देखते हैं बन पाता है कि नहीं. बन तो जाएगा, कैसा भी बन तो जाएगा, अपन अच्छा तो लगना चाहिए ना जज को. सो गाइस, बिना झिकझिक बिबिक 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 करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी हो गए, फिर 55 मिनट्स में मैं क्या बना पाऊंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, मैंने ये सब चीजें ले ली इतना धीरे में, इसलिए बोला हूँ क्योंकि सामने नेबर से वो देख सुनेंगे तो क्या बोलेंगे. सो गाइस, मैंने ये सब चीजें ले ली है, अब मैं ये सब चीजें जा रहा हूँ उबालने के लिए. आपको सुनाई तो दे रहा है ना, दे रहा हूँ. सो गाइस, ये बहुत ही गुस्सा कर रही है क्योंकि इसका कोई उतार नहीं रहा है और इसका यही फितरत है. सो कितना हुआ है तेरा? मैंने ये सब डाल दिया है, घी और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वो सब. अब सिर्फ दही जो मुझे नहीं पसंद. तो भी तो डालना तो पड़ेगा ना ये मुझे उसे. पर तुझे जीतना है तो डालना पड़ेगा. ये देखो गाइस कैसे डाल रही है. भगवान के भरोसे अच्छा बन जाए तो घर वाले खा भी ले, वरना तो सब भूखे मारेंगे. मुंह पे मारेंगे सबको, सब भूखे ही रहेंगे. ओ भाई 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 भाई, बस 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 बस. छिलके के साथ डालते खुशबू, पन ये तो बताएगी नहीं. ये बह गया. अरे यार, ये भी सो, ये भी डाल देते. ये तो आ ही नहीं रहा है, घुसड़ ही नहीं रहा है. ओ माँ. हाँ, फिर डालते हैं आलू. आलू. सो गाइस, इसे बंद करते. इसको बंद करना भी बहुत बड़ा टफ का काम है. अरे यार, ये लोग कुकर कैसे बंद करते, मुझे तो आ ही नहीं रहा है. बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया. गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने कुकर पे वो सब चढ़ा दिया है, अब मैंने सोचा कि अब मैं हरी सब्जियां वो काट लूं, जिससे मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाए. और अभी आई थिंक 15 मिनट ही हुए हैं, तो मेरा तो टाइम टू टाइम चल रहा है. बट डर अंदर से है कि अच्छा बन जाए, क्योंकि घर पे खाना बिल्कुल नहीं बना है. मेरी साइड क्यों आई? पानी भरने. पानी, चल निकल मेरी साइड से, निकल वरना इससे ही मारूंगा, निकल. सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं प्लेटफॉर्म पे तांडव कर रहा हूँ ये सब लेके. चाकू कहाँ है, चाकू कहाँ है? हाँ, ये मिल गया, मिल गया, मिल गया. पे जज मजे ले रहा है. सो क्या होगा आपका? बहुत कुछ होगा, और आपको शायद खाने में आज कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी जो स्पीड है उससे तो मुझे ये लग रहा है कि एक भी डिश नहीं बनेगा. तो मुझे भूखा रखा ना, तो देख लेना. आज मैंने मम्मी को ऐसा बोला है कि मम्मी आप खाना मत बनाना, आज बहुत सारी डिश बनने वाली, आप उसी से काम चलाना. तो मम्मी को भी हाँ चल आज खाना नहीं बनाती, मुझे भी ऑफ मिले. गाइस, नहीं बना रहा इसने तो मैं पक्का बाहर लेके जाऊंगी और खाऊंगी, और जिससे मेरा ही खर्चा होगा. पानी गिर रहा है इसके अंदर से. सो गाइस, ये कुकर में बहुत सारा पानी मैंने डाल दिया था, तो मम्मी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की. मम्मी ने बोला कि कुकर में से पानी कम कर, क्योंकि मुझे तो उतना कुकिंग आता नहीं है. अब मैं इसे बंद करता हूँ और फिर से सब्जी काटने लगता हूँ. बाप रे, मैंने किचन का क्या हाल बना है. मम्मी सही में धोएगी मुझे. हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ पनीर की सब्जी की तरफ. सो ये इसके लिए मैं ये पेस्ट बना रही हूँ. तो ये पेस्ट के अंदर से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, देख सुन सुन सुन,
हीरा मत देना। बहुत बेकार आ रही है गाइस। गाइस बहुत ही अच्छी आ रही है और ये है ना मुझे जिता सकती है, ये बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। बस 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 कट 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 कट। इतना सारा तेल। ओ भाई देख रहे हो जज देख रहे हो कितना सारा ऑयली। देखो मेरा विदाउट ऑयल का खाना है, देखो इतना सारा ऑयली खाना। तो टेस्टी भी तो बनेगा। कुछ टेस्टी नहीं बनने वाला है ना। चल चल कुछ टेस्टी नहीं बनने। इतना टेस्टिंग मेरा ही, मैं ही जीतने वाली, मुझे पता है। चल ये तू 20 बार बोल चुकी है कि तू ही जीतने वाली, तू बनाएगी तभी जीत पाएगी, नहीं बनाएगी तो नहीं जीत पाएगी। स्टार्ट हो चुका है ना। अब तू अपना करना। हाँ कर रहा, तूने ही बोला कि मेरा वीडियो उतार। चल चल झूठी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है पायल के खाने की, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। भगवान इसका अच्छा नहीं बने, मैं इतनी बार प्रे कर रहा हूँ प्लीज। सो गाइस फाइनली 10 मिनट से मैंने सिर्फ ये ही काटा है, ये इतना बारीकी से काटा है टमाटर और प्याज, बस इससे ज्यादा स्पीड में मेरे से नहीं हो सकता। और ये भी मैंने काटा ही है ये। सो गाइस देख रहे हो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। इसी अंदर से क्या स्मेल आएगी तेरे? अरे तेरा बल रहा हूँ, तेरी तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। सो गाइस जज आ चुकी है हमारी। सो कैसी स्मेल आ रही है उसके खाने की? बहुत अच्छी। और आपका कितना तैयार हो गया है? मेरा तो कुछ अभी तक तैयारी नहीं हुआ है, 20 मिनट भी हो चुके हैं। खाना देना है कि नहीं देना? देना है बट अभी तैयार नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ बोलिए। मेरी हाँ बनाता हूँ, देखिए कैमरा भी कर रहा हूँ मैं, सब चीज मैं ही कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? 13:20 हुआ है, आपको कैसे जज हो? आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है आपको। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, ऐसे चैलेंजेस आते किसके दिमाग में? इसके दिमाग में ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें मैं जीत सकूं ना, ऐसे चैलेंजेस मैं लूंगी ना। मैं तो कितना अच्छा बोल रहा था खुशबू के ऊपर प्रैंक करने को, आइडिया भी बन चुका था, बट इसको मास्टर शेफ चैलेंज करना है। यार वो अच्छा रहता था मेरे लिए, पर मेरे लिए देख मेरे लिए कितना टफ है ये सब। तो अच्छी बात है ना, तो खाना बनाना या कुछ भी तो बनाना तो सीखेगा इस चैलेंज के थ्रू। बोलना भी नहीं आता इसको, बोलो। तो गाइस आई थिंक ये ग्रेवी पक चुकी है, सो मैं अब इसकी मदद से क्या बोलते इसे पता नहीं, सो इसकी मदद से मैं इसे ऐसे ऐसे करूंगी जिससे वो पतला हो जाए थोड़ा ग्रेवी। सो करते हैं। नाम पता नहीं है, नाम पता नहीं है बट करना है ऐसे ऐसे। ऐसा लग रहा है कि हम घर घर खेल रहे हैं ना। और है ना इसकी स्मेल और इसकी स्मेल मिक्स हो जा रही है तो पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या बना रहे हैं। सो क्या करें? कोई बात है, कोई सेंस है ये जो बोली? इसकी स्मेल मिक्स हो रही है तो नहीं, क्या नहीं, बना तो रहे? कोई बात नहीं, फालतू बोलती है। मतलब ये जो बना रहा है चीज मुझे पता नहीं है क्या बना रहा है, तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, तो ये इसकी स्मेल और ये जो बना रहा है उसकी स्मेल ऐसे मिक्स हो रही है ना कि इसका क्या टेस्ट आ रहा है क्या स्मेल आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो टेस्ट कैसे आएगा? देखो फिर भी कोई सेंस नहीं, क्या बोल रही है? टेस्ट किया ही नहीं तो टेस्ट कैसे आएगा? स्मेल तो समझ सकते हैं। कुछ भी बोलती है, लगता है तेरा दिमाग तेरे घुटनों में चला गया है। घुटना बता दो अब, मतलब कैमरा में ना घुटना भी बता रहा है। यार ये बहुत ही गर्म है, छील ही नहीं रहे। हाँ तो इतनी जल्दी किस लिए है तुझे? टाइम बहुत कम है यार। हाँ, तो तेरी कुछ भी रेडी नहीं हुआ। तेरी गलती। मैं एक नुस्खा दूँ? हाँ बोल। ये जो बॉइल्ड पोटैटोज है ना, उसको कोल्ड वाटर में थोड़ा सा डिप कर दो तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। थैंक यू। देखो गाइस कितने अच्छे जज है, मुझे अमूल के नुस्खे बता रहे। नहीं अमूल नहीं, खुशबू के नुस्खे। हाँ खुशबू के नुस्खे। यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। देख बे कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है तू ही जीतेगी। मेरा तो अभी तक यही नहीं हो पा रहा है, यही नहीं हो पा रहा, तो मैं तेरे जैसा खाना कैसे बना पाऊंगा बोल। सो गाइस मैंने अपना सारा काम कर लिया है, मुझे बहुत ही अंदर से प्राउड फीलिंग हो रही है कि मैंने 27 मिनट में सिर्फ चॉपिंग की है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ। आधार कार्ड दे। सो आप क्या कर रही हो? मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? बना रही हूँ नान। यस नान बना रही हूँ। सो अच्छा टेस्टी सा बनाइएगा। और उसके साथ क्या बना रही हो? उसके साथ बना रही हूँ पनीर की ग्रेवी, मीन्स पनीर की सब्जी। स्वाद में अच्छा होना चाहिए, स्वाद में अच्छा ही है। टिप टाप किट टिप 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 करते करते मेरे इधर तोड़ देगी ये कंधा। और अच्छा सा स्वादिष्ट खाना भोजन बनाइए। बना रही है नान,
यार इसकी डिश बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही रियली बहुत ही अच्छी लग रही है। सो नान के बाद तेरी डिश कंप्लीट हो जाएगी। यस, दो ही तो नान बनाना है मम्मी। दो नहीं बनाना, चार बनाओ। हाँ चार बनाना है भाई, मुझे भी खाना है, खाना बना नहीं है आज। हाँ तो पहले अभी कंपटीशन के लिए चार बना, दो बना दूंगी। हाँ हाँ ठीक है चल। यार ये गैस, ये सही चालू है ना गैस? यस। चलो भाई गैस, गैस पे रखना है हमें तेल। तेल दो भाई मुझे, ये रहा तेल। इसका वो कहाँ है? ये रहा, ये पावर कर देगा। सो तेल डालना है हमें दो चुटकी, दो चुटकी है ना ये। बाप रे इतना सारा तेल हो गया, बहुत सारा तेल हो गया है गाइस। बस इतना सा तेल चाहिए हमें, अब इसे गर्म होने तक रखना है हमें। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वाओ रियली गुड, बहुत ही अच्छा बना रही है रियली। सो गाइस मेरा जो टिक्की है वो रेडी हो चुका है। यस, और मैं बहुत ही प्राउड हूँ कि मैंने इतनी अच्छी टिक्की बनाई पहली बार। तो अब सिर्फ इसको फ्राई करना है और मेरा जो चाट है वो भी रेडी हो चुका है। सिर्फ इसको मतलब कुक करना है, मतलब कच्चा है उससे पक्का करना है, क्या बोलते हो? नहीं समझ आता मुझे। हाँ फ्राई करना है और फिर सिर्फ प्रेजेंट करना है, फिर रेडी हो जाएगा। बट आपका टिक्की टूटना नहीं चाहिए। नहीं टूटेगा। और गाइस मैं अभी सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है, सो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और इसका सब चीज रेडी है, पायल का दिखा दो वहां पे, सब चीज रेडी है। सो चलिए बनाते हैं। तो गाइस मन्ने तो बहुत ही डर लगे से कि ये टूट ना जाए। आमी बहुत ही डर लगता है, पता नहीं ये कच्चा है कि पक्का है। कच्चा है कि पक्का है जज, इतना तो बता सकते हो। ओ खुशबू नहीं पायल तू तो बता दे, ये कच्चा है कि पक्का है? यार एक बॉय की हेल्प नहीं कर रहे हो तुम लोग। अभी कच्चा है, थोड़ा ब्राउनिश होगा ना तब निकालना। अगर ये कच्चा रहेगा ना तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा। और तुमने ब्रेड क्रम्स अच्छे से डाले होगे तो बोल, अगर तूने ब्रेड क्रम्स अच्छे से डाले होगे तो ही वो अच्छे से होगा, वरना आलू ही आलू रहेगा तो आलू का कोई कलर नहीं होगा। गाइस पायल ने बनाया है बहुत ही अच्छी डिश ये वाली, और मैंने बनाई है ये वाली डिश। सो आप कमेंट करके बताना कौन सी डिश अच्छी लग रही है आपको देखने में। तो गाइस फाइनली आफ्टर एक घंटे के बाद, वैसे तो मैंने 1 घंटा 5 मिनट लिया है बट वो चलता है क्योंकि मेरी स्पीड जो मैंने फर्स्ट टाइम खाना बनाया इसलिए, तो ये प्लीज जज इसे इग्नोर करना ये 5 मिनट को, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से हम दोनों ने ये खाना बना लिया है। सो मैंने बनाया है बर्गर प्लस कौन चाट, मैंने बनाया है पनीर की सब्जी प्लस नान। हाँ सो ये रहे हमारे दो जज आज के, क्लैप करो इनके लिए। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए कुक विद अमन, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। सो चक के बताना कि कैसा लगा, अभी नहीं खाना है ठीक है। मम्मी तो दी हुई मुझे खाने को दे। खाओ, ये पायल का है। हाँ खाओ खाओ, लो ऐसे पकड़ो। प्लेटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ तो मतलब कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए तो फिर खा के बताइए कैसा लग रहा है। तो कि चेक कर बताए। अरे खा के बताओ यार, कंफ्यूज जज है ये, कंफ्यूज जज है सच्ची। ऐसे खाना है? खाओ इसके साथ, खाओ इसके साथ। पनीर भी लो, पनीर है। ओहो हो, ऐसे मक्स का मारने से तू जीतेगी नहीं। कैसा लग रहा है टेस्ट मम्मी बताओ? क्या क्या पनीर खाओ, पनीर पनीर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा तो मैं भी नहीं बना सकती। ये ओवर एक्टिंग, काटो 50 रुपए ओवर एक्टिंग के। बताओ मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। पर मेरे से, मेरे डिश से अच्छा नहीं लगेगा। अभी थोड़ा सा मालूम पड़ेगा। खुशबू आप बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो, क्या है ये, क्या है पनीर है जो, पनीर की सब्जी।
वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नान कच्ची तो नहीं, कब से बोली मम्मी नान कच्ची होगी, नान कच्ची होगी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खाने का, मिलेगा और मजा आएगा। अरे भाई ये अभी रखो भाई, अभी सिर्फ टेस्टी करनी है तो खाने लगे। पहली बार सब्जी बनाई है लेकिन बहुत मस्त बनाई है, बहुत मेरा एक्सपीरियंस। इसको जलन हो रहा है। हाँ तो हो रहा है, उंगलियां काटते रह जाओगे यार। मम्मी के ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट ही दो अब तो। माइंड में डिसाइड कर लेना 10 में से कितने दोगे, ठीक है? हाँ देना है। हम तो सोचा कि खाली खाना है। अब ये रही मेरी डिश, ये वाली देखो मैं मम्मी, मैंने पूरी मास्टर शेफ जैसी प्लेटिंग की है, देखो प्लेटिंग भी किया है। ओ क्या है ये कोन चाट है और ये बर्गर है। सो मुझे प्लेटिंग तो बहुत ही अच्छी लगी, देखो कलर्स कितने सारे। मैं खुद की तारीफ खुद से क्यों कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कलरफुल प्लेटिंग है। दूसरे तो बोलेंगे नहीं, तो अपने से खुद से थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो कि वही लोग बार बार बोलेंगे। हटा हटा मक्खी आ रही है, मेरे खाने को बर्बाद मत कर, चलो जल्दी खाओ। चलो खाओ, ये लोग कोन चाट खाने पहले अब खाओ फिर बताओ, और इसमें क्या कमी है वो भी बताना। इस सॉस में मिला के मत खा। नहीं सॉस अमन का तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा नमक कम है। हाँ गाइस नमक कम है, नमक तो कम है। मुझे खिला तो मुझे चखाओ, चखाओ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। लोगों को भी चखा कर देखा खुश पाए। हाँ देख नमक कम है ना, थोड़ा सा थोड़ा सा नमक तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा कम है। इतनी सी डालो ना, बहुत अच्छा लगेगा। लो मम्मी बहुत ऐसे तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए खाना पड़ेगा। हाँ तो आप खाओ, लो पकड़ो। पूरे एक घंटे से मैंने ये बनाया और जज कैसे बोल रहे थे, देखना ये डंडी ना चला जाए मुंह में। ऐसे खाते हैं देखो। हाँ, अब खाओ, मम्मी मुंह में घुसेगा कुपाल थोड़ा अंदर। खाओ खाओ, देखो कैसे खाते हैं। बताओ कैसा लग रहा है मम्मी? कुछ नहीं, अकॉर्डिंग ब्रेड है। वापस खाओ तो धीरे 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 धीरे। ये तो देखो ये कैसी जज है, सिर्फ खाने से मतलब ही इसे। वाह बता मम्मी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी यार सच्ची मेरे भी पानी आ रहा है मुँह में, टपक नहीं रहा इसके ऊपर। अमन बहुत अच्छा बनाया है। खुशबू आप बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक कमी है, बता मेरे में कमी दिख रही है इनको, बताओ। नहीं नहीं, कैबेज ज्यादा ना, कैबेज वो मैं भूल गया, कैबेज फिर गाजर भी भूल गया हूँ, है ना मैं? नहीं वो इतना चलेगा, अभी तो बच्चे चलेगा फर्स्ट ट्राई। गाइस फाइनली बहुत ही देर के बाद इन लोगों ने विनर्स डिसाइड कर ही लिए। ये दोनों बहुत झगड़े मम्मी और खुशबू की, ये जीतेगा ये जीतेगा, इसकी डिश अच्छी है इसकी डिश अच्छी है। सो फाइनली बता दो कौन जीता है, 1 2 3 बोलो दीदी। तो बताओ मेरे मेरे कितने पॉइंट्स थे और उसके कितने पॉइंट्स थे? आपके 7 थे और दीदी के 9 थे, बिकॉज ऑफ आपका कलरफुल था, बट आपका जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया था। सिर्फ सॉल्ट की वजह से गाइस मैं हारा हूँ, वरना पायल से अच्छी डिश मेरी थी, है ना? हाँ। और ये इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे। सो गाइस तो आज का चैलेंज यही पे हम खत्म करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और पास के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जो है ना वो सब कर देना गाइस। हाँ तो तब तक के लिए बाय 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 कर दो, बाय।